हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। रेलवे में अग्निवीरों को मिलेगा कुल 15% तक आरक्षण, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। खबर है कि भारतीय रेलवे ने सेना की अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। रेलवे पूर्व अग्निवीरों को अपने विभिन्न विभागों की गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती में कुल मिलाकर 15% तक आरक्षण प्रदान करेगा। अग्निवीरों को आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट प्रदान की जाएगी। रेलवे ने इस संबंध में 10 मई को रेलवे के सभी जोन के महाप्रबंधक और रेलवे भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे में अग्निवीरों को लेवल 1 और लेवल 2 में क्रमशः 10% और 5% का आरक्षण दिया जाएगा। लेवल 1 की बात करें तो इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे कि गैंगमैन, ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन जैसे पदों पर 10% आरक्षण मिलेगा, जबकि लेवल 2 में टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क, अकाउंटेंट जैसे पदों पर 5% आरक्षण दिया जाएगा। लेवल 1 में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल के जरिए भरा जाएगा, जबकि लेवल 2 के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगा। कक्षा 10वीं और 12वीं का CBSE ने जारी किया रिजल्ट। 12वीं में कोई टॉपर सूची नहीं, त्रिवेंद्रम रीजन शीर्ष पर, प्रयागराज सबसे नीचे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 12वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि कक्षा 12वीं में कुल रिजल्ट 87.33% रहा। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है, हालांकि रिजल्ट पिछले साल की तुलना में 5% कम रहा है। त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि प्रयागराज जोन ने 78.05% प्रदर्शन किया है। वहीं 10वीं की बात करें तो इसमें 93.12% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 10वीं में 16,00,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी से 21 मार्च के बीच आयोजित हुई थी। इस एग्जाम के लिए 21,86,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन परीक्षा में 16,00,000 छात्र ही शामिल हुए थे। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 10वीं के परिणामों को आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in वेबसाइट से जाकर आप चेक कर सकते हैं। 2 से अधिक बच्चे वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त मिलेगी सैलरी, सिक्किम सरकार ने इस वजह से लिया है ये बड़ा फैसला। सिक्किम सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, वहाँ पर अब 2 या उससे अधिक बच्चे पैदा किए जाने पर कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। दरअसल सिक्किम में वहाँ के समुदायों की आबादी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है। इसके साथ ही उनका यह फैसला इस साल की 1 जनवरी से ही मान्य माना जाएगा। बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी के सचिव रीजनिंग चेवांग भूटिया ने 10 मई को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में कहा है कि सिक्किम विषय प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण पत्र रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को 2 से अधिक बच्चों के लिए एडवांस सैलरी मिलेगी, वहीं जिन कर्मचारियों के 3 बच्चे हैं उन्हें एक एडिशनल सैलरी मिलेगी। ट्विटर से इस्तीफा देंगे एलन मस्क, ये होगा नया CEO। खबर है कि एलन मस्क ने ट्वीट करके CEO पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपने पद मुक्ति के साथ ही एलन मस्क ने नए CEO को लेकर भी अहम जानकारी दी है। मस्क के ट्वीट के मुताबिक नए CEO एक महिला होंगी, जिनके नाम की घोषणा फिलहाल आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। नए CEO की ज्वाइनिंग अगले 6 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। बता दें कि मस्क ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि इसके साथ ही खुशी भी जाहिर की है। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्हें ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने ट्विटर का नया CEO चुन लिया है। वह 6 सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी। आपको बता दें कि नए CEO के कार्यभार संभालने के बाद भी एलन मस्क ही निर्णय लेंगे। मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि वे ट्विटर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने रहेंगे। द केरल स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार, CJI बोले लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी। द केरल स्टोरी फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बैन लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है। CJI DY चंद्रचूड़ ने फटकार लगाते हुए बंगाल सरकार से कहा है कि जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं की उस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें राज्य ने फिल्म में प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ही तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया है। जल्द ही भारत में की गई कमाई पर नेटफ्लिक्स इंडिया से टैक्स वसूल सकती है सरकार। आने वाले दिनों में देश में नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस के जरिए की गई कमाई पर टैक्स लागू हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ड्राफ्ट ऑर्डर में टैक्स ऑफिसर्स की तरफ से दावा किया गया है कि असेसमेंट ईयर 2021-22 में नेटफ्लिक्स के इंडियन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी पीई को करीब 550 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। टैक्स ऑफिसर्स के मुताबिक अमेरिकी फर्म नेटफ्लिक्स ने भारत में अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए पैरेंट कंपनी से कुछ कर्मचारियों को सेकंडमेंट पर अपॉइंट किया हुआ है। ये कर्मचारी देश में परमानेंट न रहकर कुछ समय के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही कंपनी देश में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि इस वजह से नेटफ्लिक्स पर पीई और टैक्स लायबिलिटी बनती है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सर्विस ऑफर करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों से टैक्स वसूलेगी। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में मिली जमानत। हाईकोर्ट ने कहा किसी भी मामले में 17 तारीख तक न हो कोई गिरफ्तारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। अल कादिर ट्रस्ट केस में हाईकोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह के लिए जमानत दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में 17 तारीख तक खान की गिरफ्तारी न हो। सुनवाई कोर्ट रूम नंबर 3 में की गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीटीआई के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। इमरान खान की केस की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच मौजूद थी। इमरान खान सुनवाई से पहले पुलिस लाइंस में मौजूद थे। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचाया गया था। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया था। पुलिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ था। भोपाल में सैलरी 30,000 लेकिन महिला इंजीनियर के घर छापेमारी में मिली करोड़ों रुपए की संपत्ति। मध्य प्रदेश के भोपाल में 30,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाली एक सब इंजीनियर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारकर सब उजागर कर दिया है। इंजीनियर हेमा को लेकर 7 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसमें 1 करोड़ रुपए का बंगला रायसेन भोपाल और विदिशा में जमीनों के दस्तावेज मिले हैं और इसके साथ ही लोकायुक्त टीम को हार्वेस्टर, धान बुआई मशीन, ट्रैक्टर और खेती में काम में आने वाले टूल्स के कागज भी हाथ लगे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जूनियर इंजीनियर के घर पर 30 लाख रुपए की एलईडी टीवी मिली है और 70 से 80 गाय मिली है, 30 विदेशी नस्ल के कुत्ते मिले हैं। दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए WFI चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह बयान दर्ज कराया। बोले सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद। खबर है कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और धमकाने के आरोप लगे हैं और इन सब आरोपों के चलते दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने WFI के अध्यक्ष और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की है। इसी मामले में पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बाकी पीड़ितों के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने की अर्जी दायर की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पीड़िता नाबालिग पर भी धारा 164 के तहत बयान ले चुकी है। इसके बाद अब अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी अपने बयान दर्ज करवाए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले की निगरानी के लिए एक 10 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया था जिसका नेतृत्व एक महिला DCP कर रही है। इस मामले की जांच को लेकर SIT का गठन भी किया गया है जिसमें पुलिस की 6 टीमों को शामिल किया गया है जिसमें 4 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। समाचार एजेंसी के मुताबिक पहलवानों की शिकायत पर WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण का बयान भी दर्ज किया गया है और उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। ब्रिजभूषण ने अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों का खंडन किया है।
चीन की इस बड़ी कार कंपनी का भारतीय कारोबार खरीद सकते हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज चीन की कार कंपनी एमजी मोटर का भारतीय कारोबार खरीद सकती है। आपको बता दें कि एमजी मोटर पर चीन की कार कंपनी एसएआईसी मोटर कॉर्प लिमिटेड का मालिकाना हक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी भारत में अपने कार बिजनेस में मेजोरिटी स्टेक यानी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचना चाहती है, जिसके लिए वह कई कंपनियों से बातचीत भी कर रही है। इन कंपनियों में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो ग्रुप, प्रेमजी इन्वेस्ट और जेएसडब्ल्यू ग्रुप शामिल है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की वजह से चीनी कंपनियों को भारत में एफडीआई यानी विदेशी निवेश मिलना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एमजी मोटर इंडिया ने पेरेंट कंपनी से फंड जुटाने के लिए 2 साल पहले ही अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। इस वजह से एमजी मोटर दूसरे विकल्पों की तलाश कर रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को बड़ी राहत, महाराष्ट्र सरकार ने सभी आरोप लिए वापस, निलंबन भी किया रद्द। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए हैं और 2021 के अंत में जारी उनके निलंबन के आदेश को भी रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सिंह के खिलाफ मुंबई और थाने में जबरन वसूली से संबंधित कम से कम 4 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी। अधिकारी ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने सिंह के निलंबन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निलंबन की अवधि को उनके ड्यूटी पर रहने के रूप में माना जाएगा। सिंह को दिसंबर 2021 में निलंबित कर दिया गया था। महाराष्ट्र में उस समय 3 दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है। दक्षिण कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ, गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। आज का सुविचार, सुकरात ने कहा था, इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का बस एक ही तरीका है और वो ये है कि आप वह बने जो आप होने का दिखावा करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।